दोस्तों आपको ये भी सवाल आ सकता है Why did you change careers to become a supplier quality engineers? यानी कि आप supplier quality engineer के career को आपने क्यों चुना? तो दोस्तों अगर आपने किसी और profile से अगर supplier quality engineer के profile को अगर चुना है, तो यहाँ पर आपको positivity बतानी है, ठीक है ना? For an example आप बता सकते हैं कि supplier quality engineer बनने से मुझे multiple supplier के यहाँ पर visit करने का मौका मिलेगा, multiple product, multiple process से मैं interact कर सकता हूँ, मुझे सीखने की opportunity बहुत रहेगी। मुझे ट्रैवलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नए नए लोगों से मिलूंगा नए नए प्रोसेस को देखूंगा तरह तरह के प्रॉब्लम को मैं फेस करूंगा और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरी लर्निंग काफी रहेगी और मेरी जो एक्सपर्टीज है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मुझे हेल्प करेगा एस इंजीनियर के रोल को बेटर तरीके से प्ले करने के लिए और मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें हेल्प कर सकता हूं तो ये जो पॉजिटिव तरीका रहेगा प्रेजेंट करने का ये आपको आर एडवांटेजेस देगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस एज ए सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर तो दोस्तों टिपिकली इंटरव्यू में आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है स्ट्रेंथ तो खैर आप बता देंगे लेकिन जब वीकनेस की बात आ जाएगी तो किस तरीके से आप वीकनेस बता रहे हैं वीकनेस को भी इस तरीके से आपको ब्लैंडली नहीं बताना है जो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव हो जाए आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो आपके लिए एक तरीके से पॉजिटिविटी का भी काम करे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया कि क्या आपके वीकनेस हैं तो आप इस तरह कुछ वीकनेस बताइए फॉर एन एग्जाम्पल कि सप्लायर के यहां पर पिप ऐप की एक्टिविटी को ड्राइव करने के दौरान में एमएसए के यानी कि एट्रीब्यूट एमएसए को ड्राइव करने में मुझे कभी कभार दिक्कत होती है क्योंकि मैंने पर्सनली उसको डायरेक्टली ड्राइव नहीं किया है मैंने वेरिएबल एमएसए तो कनेक्ट करवाया है लेकिन एट्रीब्यूट एम एस अभी तक मैंने किया हुआ नहीं है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है यह मेरे लिए एक वीकनेस है मैं उसको सीखना चाहता हूँ उसको करना चाहता हूँ या बोल सकते हैं कि मैंने आपके कंपनी के वेबसाइट में प्रोफाइल स्टडी किया था और मैंने देखा था कि आपके यहाँ पर सिक्स सिग्मा के प्रैक्टिस होते हैं और सिक्स सिग्मा मुझे बहुत अच्छी तरह से आता नहीं है मैंने उसको ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है मेरा ये वीकनेस है और ये भी एक कारण है कि मैं आपके यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर सिक्स सिग्मा के प्रैक्टिस होते हैं तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा और मुझे भी कंपनी में कंट्रीब्यूट करने के लिए मौका मिलेगा ठीक है ना तो ये मेरा वीकनेस अभी है सिक्स सिग्मा जो कि मैं सीख के अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूं आपको ये सवाल भी पूछा सकता है कि वट हैज बीन योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार एंड वाई और ये सवाल टिपिकली एसक्यू इंजीनियर के लिए ही नहीं ये आपके किसी भी प्रोफाइल में जनरली पूछा जाता है कि क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं एक दो एग्जाम्पल बताइए तो अगर सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर की प्रोफाइल पहले आप हैंडल कर चुके हैं तो आप दो तीन अच्छे अचीवमेंट्स दिमाग में लेके जाएं, उसका थोड़ा सा बैकअप भी ले लें कि अगर आपको केस स्टडी के तौर पर अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ा कि कैसे आपने किया था क्या क्या सिचुएशंस थी क्या क्या चैलेंजेस थे टोटल स्टेप बाय स्टेप जरा बताएं तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएं तो मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक सप्लायर के यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी आपने कैसे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया आप बार बार लगातार कस्टमर कंप्लेन आ रहे थे सप्लायर के इशू की वजह से कैसे आपने उसको हैंडल करके सप्लायर के यहाँ पर इंप्रूवमेंट करवा के आपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस किया या आपने सप्लायर के यहाँ पर कुछ कॉस्ट इंप्रूवमेंट के या कॉस्ट रिडक्शन के कुछ प्रोजेक्ट को आपने ड्राइव करवा के तीन चार पांच प्रोडक्ट में आपने कॉस्ट में रिडक्शन लाया या डिलीवरी के इशूज वगैरह आ रहे थे आपने उसको कुछ इंप्रूवमेंट करके लॉजिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट करके आपने डिलीवरी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया तो जो भी आपके दो तीन अचीवमेंट्स आपको लगते हैं कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से उसको लिख लें उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें रिहर्सल कर लें और कॉन्फिडेंटली उसको आप एक्सप्लेन करें आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब एज ए सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर यानी कि सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर को आप अपना आइडियल जॉब क्यों मानते हैं क्यों आप इसी प्रोफाइल में स्टिक करना चाह रहे हैं क्यों नहीं आप दूसरे प्रोफाइल में स्विच करना चाहेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स बताने हैं जो कि आपको बाध्य करता है कि आप एसक्यू के प्रोफाइल को फॉलो करें फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था आपको मल्टीपल सप्लायर से इंट्रैक्शन करने का मौका मिलेगा तो आप बोल सकते हैं मुझे सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर के प्रोफाइल में मल्टीपल सप्लायर से मल्टीपल प्रोडक्ट से मल्टीपल लोकेशन में मुझे विजिट करने का मौका मिलेगा तरह तरह के लोगों से मुझे इंट्रैक्शन करने का मौका मिलेगा और मैंने ऑलरेडी इसको तीन चार साल मैंने किया हुआ है तो मेरी एक्सपर्टीज है और मैं इसमें कंपनी को हेल्प कर सकता हूं इंप्रूवमेंट करवाने में हेल्प कर सकता हूं जिसमें कि मेरी भी लर्निंग होती है और कंपनी का ग्रोथ भी होता है आपको यह भी सवाल आ सकता है कि आपने पिछले कंपनी में क्यों रिजाइन किया या रिजाइन करना चाह रहे हैं और हमारी कंपनी को क्यों आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं या अगर उसके पहले कंपनी के बारे में आपको पूछा गया फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक दो तीन कंपनी को चेंज कर लिया है तो पहले कंपनी को आपने क्यों चेंज किया दूसरे कंपनी को आपने क्यों चेंज किया, इसके रीजन भी आपको पूछे तो आप कोई मेरा बॉस झगड़ा हो गया था दूसरी कंपनी में मैंने सैलरी बढ़ाने की बात की तो मैनेजमेंट ने सुना नहीं तो मैंने गुस्से में छोड़ दिया ठीक है ना इस तरह का अगर आप देंगे तो यह आपकी इमेच्योरिटी दिखाएगी अगर रियल कॉज था भी तो आपको इसको अलग तरीके से आपको ढंग से आपको प्रेजेंट करना है ठीक है ना इस तरह के अगर आप झगड़े वाला नेचर या पैसे के पीछे भागने वाला मेंटेलिटी अगर आप दिखाएंगे तो कोई भी इंप्लॉयर आपको पसंद नहीं करेगा हां आप थोड़ा बैलेंस करते हुए बोल सकते हैं कि पहला कंपनी को मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि वहां पर लर्निंग की पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं थी मैं लाइन पर लाइन का इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था तो मैं सप्लायर क्वालिटी के प्रोफाइल में मैं चेंज करना चाह रहा था क्योंकि मुझे मल्टीपल सप्लायर से इंट्रैक्शन करने का और काफी कुछ सीखने का मुझे मौका मिलेगा दूसरे कंपनी को मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि वो जो लोकेशन का कुछ मेरा प्रॉब्लम था मेरी फैमिली की कुछ जेन्युन प्रॉब्लम थी जो कि आप बता सकते हैं और उसके वजह से मुझे लोकेशन को चेंज करना पड़ा इस तरह का कुछ अगर आप लॉजिकल आंसर अगर देंगे तो बात बन जाएगी साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हैं कि मुझे फाइनेंशियल कुछ गेन भी मिल रहा था मुझे सैलरी में जंप भी मिल रही थी मुझे बेटर प्रोफाइल बेटर पोजीशन मिल रहा था कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी अच्छी थी कंपनी अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए मैंने ज्यादा कुछ सीखने के हिसाब से मैंने चेंज किया दोस्तों आपको यह भी सवाल पूछा सकता है हाउ मच आर यू विलिंग टू टू गिव अप इन ऑर्डर सक्सीड सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर यानी कि सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर के कैरियर में सक्सेस के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं क्या क्या कर सकते हैं यानी कि कितना एफर्ट डाल सकते हैं उस एलिमेंट को यहां पर जज करने की कोशिश की जा रही है तो आप बता सकते हैं कि सर मैं बहुत ही कमिटेड बंदा हूं और अपने प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए मैंने काफ़ी बार बारह बारह घंटे चौदह घंटे काम किया मैंने मैंने काफ़ी दूर दूर मैंने ट्रैवल किया है सप्लायर के यहाँ पर इशू आने के बाद मैं उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैं सप्लायर के साथ मिल काफ़ी बार मैंने रात को उनके साथ में रुक के मैंने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाया है नए बैचेस का प्रोडक्शन करवाया है और सही क्वालिटी को इंश्योर करके मैंने डिस्पैच करवाया है तो मैं बहुत ही कमिटेड हूं और अपने पोजीशन को मैं जस्टिफाई करता हूं आपको यह भी सवाल आ सकता है कि कभी आपने अपने टीम मेंबर में से किसी को फायर किया है क्या या ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया हो जबकि वो बंदा छोड़ के जाना चाह रहा हो और आपने उसको जाने दिया हो तो दोस्तों यहां पर बेसिकली आपको सिचुएशन मैनेजमेंट आपका लीडरशिप क्वालिटी को जज करने की कोशिश की जा रही है क्या आप टीम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं आपके साथ में लोग काम करना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ बना हुआ है तो अच्छी तरह से उसके बारे में सोच के जाए फॉर एन एग्जाम्पल कभी अगर आपको किसी को निकालना पड़ा हो जॉब से तो आप उसका परफॉर्मेंस का इशू के जगह में अगर कोई एटीट्यूडनल इशूज था जिसके वजह से कंपनी सफर कर रही थी या उसने कुछ गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो किया था है ना फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बोले कि मेरे साथ में एक बंदा काम कर रहा था मेरा एक जूनियर था और वो सप्लायर के पास में मेरे साथ जाता था इंट्रैक्ट करता था लेकिन काफी बार हमने ऑब्जर्व किया था कि वो गलत मटेरियल को भी पास कर देता था और हमारे यहां पर लाइन में प्रॉब्लम हो रही थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उसने सप्लायर से कुछ फेवर वगैरह लिया था और उसके चक्कर में वो मटेरियल को पास कर रहा था और इसलिए हमें उसको हटाना पड़ा तो दोस्तों ये काफी कुछ अनथिकल प्रैक्टिस के वजह से आपको यह डिसीजन लेना पड़ा जो कि काफी लॉजिकल था तो आप बोल सकते हैं कि हमने जब उसको ऑब्जर्व किया तो हमने हमारे टॉप मैनेजमेंट को और एच डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया और उसके बाद में हमारे टॉप मैनेजमेंट ने और एच डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि हमको उसको अपने कंपनी से हटा देना चाहिए यानी कि आप बता रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो इशूज थी उसका रिपोर्टिंग मैंने कंसर्न ऑथॉरिटी को किया और कंसर्न ऑथॉरिटी ने फाइनल डिसीजन लिया आपको यह ऑब्वियस सवाल आ सकता है कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस क्या है दोस्तों तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि क्या आंसर दिया जाएगा आपका जो भी सैलरी है जो भी एक्सपेक्टेशन है आपको जस्टिफाई करना है जस्टिफाई करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अपनी कंपिटेंसी को आप आगे बढ़ाइए यानी कि आप बता सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सैलरी को पाने के क्यों हकदार है तो आप बता सकते हैं सर मेरा क्वालिफिकेशन ये है मेरा एक्सपीरियंस ये है और इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए मैं प्रपोज कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि सैलरी सही रहेगी क्योंकि मेरे पास में ये सारे स्किल्स हैं मेरे पास में सारे ये सर्टिफिकेशन हैं मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया है और मैं इसको डिजर्व करता हूं यानी कि लॉजिकल ग्राउंड में विथ प्रॉपर बैकअप आप उस सैलरी को आप डिमांड कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली बात कीजिए अपने पॉइंट को अजर्टिवली आप सामने रखिए कोई दिक्कत नहीं है सही कंपनी रहेगी तो आपको अच्छी सैलरी देगी हाँ लेकिन ऐसा कोई सैलरी का डिमांड ना कर ले जो कि मार्केट ट्रेंड से बहुत ज्यादा हटके हो वो भी आपके अगेंस्ट में जा सकता है तो दोस्तों अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है काफी सारे टिपिकल क्वेश्चन थे जो कि सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन इसके अलावा काफी सारे और भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं अगर आप सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल काफी सारे टेक्निकल रिलेवेंट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं अजय सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी सप्लायर के यहाँ पर हेल्प करना है तो आपको ड्राइंग रीडिंग करना आना चाहिए अगर ड्राइंग रीडिंग करने की बात कर रहे हैं तो जी काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है तो आपको इससे रिलेवेंट भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं ड्राइंग रीडिंग करने के बारे में पूछा सकता है जिस प्रोसेस को आप मैनेज करने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप रबर इंडस्ट्री में जा रहे हैं या आप ऐसे कोई कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पर कि सप्लायर के यहाँ पर प्लेटिंग हो रही है पेंटिंग हो रही है फोर्जिंग कास्टिंग हो रही है तो उन प्रोसेस वो प्रोडक्ट का रिलेवेंट आपको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए उससे रिलेवेंट भी आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अब इससे कोई लिमिट नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले जांच पड़ताल कर लें किस प्रोफाइल के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं वो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस तरह के प्रोसेस में डील करती है उससे रिलेवेंट थोड़ा सा स्टडी कर लें और अगर आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आज ए सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर सप्लायर के यहां पर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करवाना पड़ सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना पड़ सकता है तो जो फाइव कोर टूल्स हैं यानी कि ए पी क्यूपी पीपैप एम एस एस पी सी और एफ एम ई है आपको आना लगभग लगभग मस्ट है अगर नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि तो सप्लायर के यहाँ पर आपको इन सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स भी आएंगी प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना है रूट कॉज एनालिसिस भी करना पड़ेगा तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स होते हैं सेवन क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड मैनेजमेंट टूल्स और ही बहुत सारे टूल्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के टेक्निक्स होते हैं ए डी पी डी सी ए थ्री आपको ये भी पता होना चाहिए ठीक है ना कैसे कापा लिया जाता है कैसे रूट कॉज निकाला जाता है तो दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया में इन सारे चीज़ों से पटेनिंग काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं घर बैठे पढ़ सकते हैं सीख सकते हैं सर्टिफाइड हो सकते हैं और ग्लोबली जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे सर्टिफिकेशन ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं तीन तीन ग्लोबल अक्रेडिशन हमारे हैं साथ ही आई सर्टिफिकेशन वगैरह भी लिया गया है आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करके अपने जो लर्निंग के गैप्स हैं आप उनको पूरा कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों ऑडिटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जानना है आपको या हेल्थ या हेल्थ सेफ्टी भी भी के बारे में भी जानना है कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है तो स्टडी कर लीजिए बेटर होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जितना आपको मालूम रहेगा आप उतना बेटर तरीके से कंपनी को आप प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं ठीक है ना तो उसके भी कोर्सेज हमारे पास में क्वालिटी ऑफ इंडिया में अवेलेबल हैं आपको ईआरपी सिस्टम जो भी सिस्टम कंपनी फॉलो कर रही है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए काफ़ी बार ईआरपी में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ सकता है अगला जो कैटेगरी है दोस्तों इसको मैं बीसवा क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं आप यही पता कर लें कि जो जो इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिसज हैं उनमें से कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिस कंपनियां फॉलो कर रही हैं जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं टीक्यूम फॉलो कर रही है टीपीएम कर रही है सिक्स सिग्मा कर रही है लीन कर रही है या दूसरे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसज हैं या जिस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल डिवाइसिस में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री से पटेनिंग जो अच्छे प्रैक्टिस हैं मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसज हैं उनके बारे में जान ले वो जो कंपनी है कंपनी कौन कौन से प्रैक्टिस हैं अगर आप उसके पोर्टल में जाएंगे वेबसाइट में अगर जाएंगे या न्यूज आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ आइडिया मिल सकता है या किसी कंसल्टेंट ने अगर आपको अप्रोच किया है जॉब के लिए तो आप वहां पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं काफ़ी कुछ आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आप सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर्स की पोजिशन के लिए आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी सारे रिलेवेंट क्वेश्चन को हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसके रिलेवेंट आंसर को हमने एक्सप्लेन किया है कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है कि एग्जैक्टली exactly इसी सीक्वेंस में पूछा जाएगा बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में बताइए आप यहाँ पर रिलोकेट होना चाहें कि नहीं होना चाहेंगे हम आपको क्यों हायर करें वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और बंदा जो है उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अकेला बंदा ले रहा है इंटरव्यू या पैनल है बैठा हुआ पैनल में किस इस तरह के लोग हैं उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर लें ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के इंटरव्यू को फेस करें और कॉन्फिडेंटली आंसर करें और अगर आपने क्वालिटी ऑफ इंडिया से अगर कोर्सेज किए हुए हैं तो कॉन्फिडेंस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप इंटरव्यू को काफी कॉन्फिडेंटली भी क्रैक कर पाएंगे हमारी तरफ से दोस्तों बेस्ट विशेष है आपके इंटरव्यू के लिए अगर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट डब्ल्यू को विजिट करना ना भूलें हमारे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप अपनी कंपनी में किसी तरह का ट्रेनिंग कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें तो हमारे साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद टेक केयर दोस्तों जय हिंद